भोजन वितरण व मुंडन कराने के बाद वामपंथियों के सीधे निशाने पर आचार्य लॉकडाउन के चलते इंदौर के वार्डो में हर तरफ अलग माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन राजनीति से दूर धर्म व संस्कृति का बीड़ा उठाए अखिल भारतीय बलाई समाज के अध्यक्ष आचार्य मनोज परमार व उनकी टीम हर रोज इंदौर के अनेक क्षेत्रों में कभी सैकड़ों तो कभी हजारों गरीब व जरूरतमंद लोगों की भूख मिटाने खुद तपती धूप में लोगों के बीच डटे हुए है। वहीं उन्होंने पाल नगर संतों की हत्या के प्रति श्रद्धा रखते हुए हाल ही अपना मुंडन भी करवाया है, जिससे वो लगातार वामपंथियों को निशाने व सुर्खियों में बने हुए हैं। तो ये मुंडन जो आपने करवा रखा है, इसकी काफी खबरें अलग अलग तरह तरह की प्रचारित हो रही है, इस बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण देंगे आप? जो लोग नास्तिक है वो आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। बाकी साहेब कहते हैं कबीरदास जी कि निंदक न्यारे राखी आंगन कुटी छवाय, बिना पानी बिना साबुन के निर्मल करे सुहाय। अर्थात आलोचना और निंदा तो होना चाहिए। लोगों ने ईश्वर को नहीं छोड़ा, तो हम तो एक आम मनुष्य है। एक्चुअल में महाराष्ट्र में, जैसा कि आपको विदित है, महाराष्ट्र के पालघर जिले में दो संतों की निर्मम रूप से मॉब लिंचिंग के तहत हत्या हो गई थी। उसको लेकर मेरे मन में जो करुणा थी, दया थी, मुझे समरसता की एक मिसाल पेश करना थी कि दलित वर्सेस हिंदू नहीं है, दलित और हिंदू एक ही धर्म है, एक ही समाज है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दलित और हिंदू, जिनको राजनीतिकरण ध्रुवीकरण के तहत उनको अलग अलग किया जाता है और दोनों में मतभेद कराए जाते हैं, मनभेद कराए जाते हैं और आपस में विचारधारा अलग अलग बना के बहुत सारी तरह के दंगे फसाद अन्य विभिन्न तरह के फसाद होते हैं। तो उन सब दरारों को भरने का काम मैंने एक छोटे से रूप में किया। ये मुंडन करा के मेरे पीछे पीछे मेरी प्रेरणा लेकर, मेरे से प्रेरित होकर देवा से, टोंक खुर्द से, धार से, रतलाम से, मंदसौर से, यहाँ तक कि श्योरपुर तक से कार्यकर्ताओं ने मुंडन कराया, जो सभी फेसबुक आईडी पर उपलब्ध है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे और कि भीम आर्मी के नाम से या जय भीम के नारों के साथ इंदौर में हम लोग या फिर कहीं भी देखने को मिलता है कि कई युवा टोली बना के एक अलग तरह से फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे भ्रामक तरीके की बातें करते हैं कि हम अलग हैं। इस तरह की बातें की जाए, कराई जाती है कि हम मतलब जय भीम श्री राम को नहीं मानते, हनुमान को नहीं मानते। तो सर, क्या ये जो भीम संबंधित जितने लोग होते हैं, क्या ये इस धर्म से अलग है? नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के सभी अनुयायी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी किसी धर्म का अपमान नहीं किया, सभी धर्मों का सम्मान किया। ये बात एक अलग है, विचारधाराएँ अलग अलग होती है। तो बाबा साहब को मानने वाले कई वामपंथी भी है जिन्होंने इस हिंदू धर्म में विघटन पैदा करा, वैमनस्यता पैदा करी है। उस वैमनस्यता को खत्म करने के लिए अखिल भारतीय भलाई महासंघ प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है और उस दरार को खत्म करने का निरंतर प्रयास हम कर रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। आपका जी क्षेत्रीय जनता में आप जिस तरह से राशन और खाद्य सामग्री वितरित कर रहे हैं, सर ये कार्य आपने कब चालू करा है और इसको कब तक सतत जारी रखेंगे? जैसा कि आप सबको विदित है, पिछले एक माह से भी अधिक समय हो गया लॉकडाउन चालू हुआ। शुरुआती तौर पर भी हमने जैसे ही लॉकडाउन चालू हुआ था, उसके अगले दिन से ही जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो रोज़ कुआं खोदते हैं और रोज़ पानी पीते हैं, जैसे सुबह से जाना और दिन भर जो कमाना, वो शाम को रोटी और भाजी ला के खाना, ऐसे लोगों की विपदाएँ जो है उसी दिन से चालू हो गई थी, पिछले माह की 24 तारीख से। उस चीज़ को हमने अगले दिन ही भाप लिया था और हमने जो है 25 मार्च से ही ये अन्न क्षेत्र चालू कर दिया था। हमने घर घर जाके जो है अन्नदान किया और यहाँ तक कि घर घर जाके भी दिया, और कई लोग जो सूर्यदेव नगर के, हमारे द्वारकापुरी के, मारुति पैलेस के, यहाँ तक कि वेलोसिटी टाकीज और हमारे निरंजनपुर बस्ती और डॉक्टर नगर, अन्नपूर्णा नगर, अपने सुदामा नगर, झोपड़पट्टी, इतनी दूर से जो है गरीब लोग, दिहाड़ी मजदूर लोग हमारे पास में आए मदद मांगने। और हमारे अखिल भारतीय भलाई महासंघ, श्री भूतेश्वर महादेव सेवा समिति, गोलू राठौर मित्र मंडल और रोहित राठौर जी, विकास ओटकर जी और उदय प्रताप राठौर वगैरह, हमारे जो पूरा मित्र मंडल है, अब सबने आपस में जो है करेक्शन करके, आपस में जो सहयोग निधि इकट्ठी करके हमने गरीबों की मदद करी, मजदूरों की मदद करी। और हमारा अंतिम समय तक यह प्रयास है, जब तक सांस में सांस है तब तक कोई भूखा ना सोए, कम से कम हमारे संपर्क में जो है वो तो भूखा नहीं सोए, भले ही हम भूखे सो लें, हमारा परिवार भूखा सो लें, बाकी हमसे जुड़ा कोई व्यक्ति या हमारे क्षेत्र का, हमारी समाज का, हमारे एरिए का, हमारे इलाके का कोई भी गरीब दिहाड़ी मजदूर भूखा नहीं सोएगा। सर, एक सवाल और कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं मित्रता में आपके और राजनीतिक गलियारों में, तो इस बार उनकी दूरी देखने को मिली लॉकडाउन में, आपकी कोई फिलहाल हमें देखने को मिली नहीं, साथ ही कोई समस्या क्षेत्रीय या फिर उनको सामाजिक तौर पे, मतलब कोई आपको वहाँ
से सहयोग मिला या नहीं मिला? बिल्कुल बराबर सहयोग करते हैं, माननीय हमारे लीडर हैं, हमारे नेतृत्वकर्ता हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय, उनके मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में, और उन्हीं से सीखा है हमने ये दान करना, वरना दान करने की विधा तो हमारे को आती ही नहीं थी। उन्होंने सिखाया है कि सबसे बड़ा दान जो है अन्नदान है, किसी भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है, इसलिए हमने उन्हीं के मार्गदर्शन में ये अन्न क्षेत्र चालू किया था, जो आज तक इस समय तक परंपरागत अभी तक चालू है और भविष्य में भी चालू रहेगा, ऐसी ईश्वर से कामना है, प्रार्थना है, और आप सब लोगों के सहयोग मिलते ही। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।